गुड इवनिंग बेटा, वंस अगेन वेलकम इन वीके झंडा क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी जैसे मैथ और साइंस की रेगुलर क्लास के साथ साथ अभी एक जीके का 5 से 7 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी केवल आपके डिमांड पे, वो भी बहुत अभी स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कल भी हमने एक जीके का कॉन्सेप्ट किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो देखिए बेटा, आज है 25th of May 2020। तो 2020 25 मई की अगर हम बात करें तो आज का दिन भी इतिहास में कुछ अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में बहुत कुछ संकलित किए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका जन्म 25 मई को हुआ और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने 25 मई के दिन अपना जो प्राण थे वो त्याग दिए। अगर सबसे पहले हम बात करें तो हमारे भारतीय, एक आपने सुना भी होगा, आप अभी तक बेटा ये पढ़ते आए होंगे कि जो आजाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना किसने की। छोटी क्लास में अक्सर आपने ये पढ़ा होगा कि जो आजाद हिंद फौज थी उसके जो मार्गदर्शक थे या जो उसके संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, जो आजाद हिंद फौज थी और उसके साथ साथ 1886 की अगर आज के दिन की बात करें, 25 मई 1886 में क्या हुआ कि एक प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अहम कदम उठाए और उसके साथ एक वो बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। और जो मीन्स सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज का समर्थन मीन्स मार्गदर्शक किया था। स्थापना उसने नहीं की थी, स्थापना किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी, जिनका जन्म कब हुआ था, 25 मई 1886 को। इसके साथ साथ 25 मई 1831 में एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे वो, जिनका नाम था सायरदाग देहवेली, उनका भी जन्म कब हुआ, 1831, कब, 25 मई को। अब 25 मई के साथ जैसे कई व्यक्ति तो क्या थे जिनको जन्म हुआ और कई व्यक्ति क्या थे जिनको मीन्स निधन भी हुआ जिनका। तो 1933 की अगर हम बात करें, त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व प्रधानमंत्री बास्दिया पांडे का निधन हुआ था, कब, 25 मई 1933 में। और एक भारतीय की अगर हम बात करें, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का निधन हुआ था, कब, 25 मई 1998 में। और 2005 में, 25 मई 2005 में हिंदी फिल्म अभिनेता और एक राजनीतिक सुनील दत्त का भी निधन कब हुआ, 2005 में 25 मई को। और 2010 की अगर हम बात करें, 25 मई 2010 की, तो बांग्ला अभिनेता तपन चट्टोपाध्याय का निधन भी कब हुआ था, 25 मई 2010 में। 2011 की अगर हम बात करें, एक प्रसिद्ध समाज सेवी रजनीकांत अरोल का भी निधन कब हुआ, 25 मई 2011 को। 25 मई 2012 की अगर हम बात करें, प्रसिद्ध कवि एवं निबंधकार भागवत रावत का निधन हुआ। तो इतना ही नहीं है, और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम यहाँ नहीं बता सकते। अगर विश्व के कुछ ऐसे मामलों के बारे में हम बात करें तो विश्व में भी कई ऐसे हैं कि जैसे 2009, 25 मई 2009 की बेटा अगर हम बात करें, तो उत्तरी कोरिया ने कथित रूप से अपने दूसरे परमाणु उपकरण का भी परीक्षण कब किया था, 25 मई 2009 में। और इसके साथ साथ आज ही के दिन, 25 मई के दिन ही नासा ने पूर्व वर्षों पहले पहली बार मंगल ग्रह के ऊपर अपना रोबोट छोड़ दिया था, जो कि सभी प्रकार की गतिविधियां उसको दिखाता था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो 25 मई 1982 में फोकलैंड युद्ध, MHM कोवेंट्री अर्जेंटीना वायुसेना A4 हाइकस द्वारा डुबाया गया था। तो ये बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जो कि विश्व की, और इसके साथ साथ और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि 25 मई के इतिहास में बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई हैं, जिनको पढ़कर हमें
गर्व भी महसूस होता है। अगर हम बात करें अब 25 मई 1968 की, तो सेंट लुइस गेटवे, जो सेंट लुइस में गेटवे ऑक जो बना था उसका उद्घाटन भी आज ही के दिन हुआ था। 1977 में स्टार वॉर्स सिनेमा घरों में जानकारी मींस उनके जारी किए गए थे। और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ संक्षिप्त में बात कर सकते हैं, उनको डिटेल से नहीं समझा सकते। तो बेटा क्या है, अभी बहुत जल्दी आपके साथ मीन्स मैथ और साइंस की क्लासेस अभी शेयर की जाएंगी। तो फॉर मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी की भी स्टडी डिस्टर्ब ना हो और कंटिन्यूसली जैसे स्कूल में क्लास लगती है उसी भी हाफ पे आपको यहाँ क्लासेस दी जा रही हैं। तो घर में रहें, लॉकडाउन चल रहा है और अभी तो मीन्स कोई भी ये चांस नहीं है बेटा कि लॉकडाउन खुल जाएगा। अभी तो मीन्स पर डे क्या है स्कूल, मीन्स कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है और पर डे स्कूलिंग की कोई भी अभी भी ये नहीं है कि अभी स्कूल खुल जाएंगे, कि पता नहीं कब तक ये ऐसे ही लॉन्ग टर्म तक भी चल सकता है। इवनली सितंबर तक भी जा सकती हैं ये चीज़ें कि स्कूल तो आपके ओपन होंगे नहीं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो, विदाउट एनी डिस्टर्बेशन आप अपने स्टडी को कंटिन्यूस रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने से जो छोटे हैं उनको भी समझाएं इसके बारे में कि ज़्यादा बाहर ना घूमें, घर पे रहें, अपने स्टडी के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि मैथ्स की कोई प्रॉब्लम जो आपकी आपको टफ लगता है, मैथ्स का कोई टॉपिक, साइंस का कोई टॉपिक टफ लगता है, वो आपको बहुत जल्दी से हम प्रोवाइड करवा सकें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।